हेलो फार्मर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं, ये एक वेट हैंगिंग स्केल है जो 50 से 200 किलो के बीच में काम करता है। उसका वर्किंग हम आपको समझाने वाले हैं और उसमें क्या क्या आइटम आती है। तो जैसा कि ये आप देख रहे हो, यहाँ मैं इसका पैकिंग ओपन करने जा रहा हूँ। ये वेट स्केल एक मेटल बॉडी से बना हुआ है और बहुत ही एक्यूरेट है। अभी मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आइटम्स आती है। और ये ज़्यादातर पोल्ट्री फार्मिंग में यूज़ हो रहा है, मतलब जहाँ पे हम फार्मर्स लोग जब हैंस बर्ड सप्लाई करते हैं ना, तब इसका यूज़ करते हैं यूजुअली। तो इसका वर्किंग कैसा है, एक्यूरेसी कैसी है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो पहले तो देखिए, इसके अंदर थर्मोकोल वगैरह आते हैं ताकि सेफ्टी से ये कहीं पे भी भेज सकते हैं हम। अच्छा सा बॉक्स है इसका, एक केबल है जो चार्जिंग के लिए यूज़ होता है। देखिए, ये केबल से हम चार्ज कर लेंगे हैंगिंग स्केल को। ये फुल मेटल बॉडी, हाँ मेटल बॉडी से बना हुआ है ये हैंगिंग स्केल, तो बहुत ही ड्यूरेबल है और इसकी रेट भी किफ़ायती है। इसकी मेटल बॉडी आप देख सकते हैं, ये फुल मेटल बॉडी से बना हुआ है हैंगिंग स्केल। और इसके आसपास दोनों तरफ हुक लगाने के लिए माउंटिंग्स दिए गए हुए हैं। अभी मैं आपको उसके जो माउंटिंग्स है हुक्स वो भी बताऊंगा आपको। तो ये दो हुक्स आते हैं इसमें, दोनों एक एल्यूमिनियम है इसमें। अभी मैं इसको ओपन करके आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो यूजुअली हम नीचे जो है वो फास्टनर से लगा सकते हैं इन बिटवीन, और ऊपर वाला हुक है उसको हम कहीं पे भी टेंगला सकते हैं। तो ये जो हुक है ये अभी हमने निकाला है, देखिए ये हुक है ना, जो वो ये आगे की तरफ ये लग जाएगा जहाँ फास्टनर है, और जो पीछे की तरफ वो राउंड वाला लग जाएगा ताकि हम इसको टांग सकते हैं। तो ये यहाँ फास्टनिंग होता है जहाँ पे ये वाला हुक लग जाएगा। ये भी किट के अंदर ही आएगा, अंदर ही होगा ये किट के अंदर ही, और ऊपर से हैंग हो जाएगा ये। अच्छा, इसमें हमारे पास दो डिस्प्ले दी गई हो, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, ताकि हम दोनों तरफ से रीडिंग ले सके, इसलिए ये दी गई है। आइए अब देखते हैं इसका वर्किंग कैसा है। तो अभी हमने इसको चार्ज करा हुआ ही था तो उसको रख दिया है। अभी 00 सेट कर रहे हैं और ये देख सकते हैं मैंने अभी स्टार्ट किया है। दोनों बाजू डिस्प्ले है तो दोनों तरफ आपको रीडिंग देख सकते हो आप। जैसे ये मैंने आपको बताया, ये 50 ग्राम से लेके 200 केजी तक ये मेज़र कर सकता है। देखिए कितना शार्प इसका रीडिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक स्क्रीन और फ्रंट स्क्रीन दोनों तरफ देख सकते हो आप। और ये मेटल बॉडी है, पूरा स्ट्रक्चर मेटल से बना हुआ है तो ड्यूरेबल है। और हमने अभी इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए एक टाटा नमक की थैली ली है। अब इसको हम मेज़र कर देखेंगे कि क्या इसकी एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी अगर ये 1 kg का टाटा नमक है तो अगर सही एक्यूरेट होगा तो वो 1 kg ही बताएगा। तो ये हमने उसको हैंग किया है, ये बता रहा है 1 kg और 10 ग्राम। सो वाओ, नाइस टू सी एक्यूरेसी। तो बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट मशीन है जिसने 1 kg सही से तोल कर बता दिया है। और ये टाटा है तो उस वेट में कहीं भी हम गुंजाइश नहीं है कि कुछ कम होगा या ज़्यादा होगा। अभी इसमें एक वायर आता है जिससे आप चार्ज कर सकते हो। ये वायर जब भी आप लगाओगे तो रेड लाइट आएगी, मतलब समझ लो चार्ज हो रहा है। और अगर आप इसको उल्टा लगाओगे तो
भी चार्ज हो जाएगा, मतलब और ये आपका चार्जिंग 2 से 3 घंटे चलेगा एक बार चार्ज करने पर। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही पोल्ट्री इक्विपमेंट्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स की जानकारी हमारे चैनल से आपको मिल जाएगी। आपकी मर्ज़ी है लाइक या सब्सक्राइब करना, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। आप कर देते हो तो आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। और ये प्रोडक्ट अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। और हमारे कुछ सेलर्स इसे ऑनलाइन भी बेच रहे हैं, जिससे आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से सेल कर सकते हो। तो वो भी लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा, ताकि आप कनेक्ट करके वहाँ से भी बाय कर सकते हो। और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर कनेक्ट करें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और ये आप पर छोड़ता हूँ, आप लाइक या सब्सक्राइब करें।